श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर दे प्रबंध अधीन चल रही विद्यक संस्थावां पंजाब दीआं वकारी संस्थावां विच शुमार ने। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहब जिथे सिक्ख्या दे खेत्र विच चानण मुनारा साबित होया, उथे विद्यार्थी जीवन विच नैतिक कदरां कीमतां दे महत्व संबंधी भी वचनबद्ध है। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहब की स्थापना जुलाई 1968 विच कीती गई। पिछले साल गुरु तेग बहादुर जी दे नाम ते बने इस कॉलेज ने अपने शाना मते 50 साल पूरे करके अपनी गोल्डन जुबली मनाई। देश दीआं नामी संस्थावां वल्लों अनेकां अवार्ड इस संस्था दी विद्यक खोज दे खेत्र विच, खेडां दे खेत्र विच, समाज दे खेत्र विच इस संस्था नूं दित्ते गए। जिथे इस कॉलेज नूं नैक वल्लों ए ग्रेड नाल सन्मानिया जा चुका है, उथे इस कॉलेज नूं ऑटोनोमस कॉलेज दा दर्जा दे के कॉलेज नूं मौजूदा हालातां विच मौका प्रदान कीता गया है कि कॉलेज होर बेहतर तरीके नाल खुदमुख्तियारी राहीं इलाके अते समें दीआं लोड़ां अनुसार अपना राह खुद चुन सके। इस पंजाब दी नामवर उच्च विद्या दी संस्था नूं कीम अते उत्तम भारत स्कीमां दे के वी नवाजा गया। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी नॉर्थ इंडिया दी नामी ऑटोनमस संस्था है। इस संस्था नूं नैक बंगलौर वल्लों ए ग्रेड प्राप्त है। इस कॉलेज कोल कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस दा स्टेटस है। यह कॉलेज DBT दी स्टार कॉलेज स्कीम अधीन है। यह कॉलेज उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत है। इस साल इस कॉलेज नूं बहुत ही रिप्यूटेड फिफ्थ दी स्कीम प्राप्त हुई है। 1968 विच संत महेंद्र सिंह जी हरखोवाल जी दे विशेष यत्ना सदका स्थापित यह कॉलेज 1977 विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने प्रबंध अधीन लिया। गौरतलब है कि उपरोक्त प्राप्तियां करने वाले सूबे दे चंदकू कॉलेज ने अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी यह मान प्राप्त है। दसणयोग है कि यह कॉलेज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नाल संबंधित है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर दे प्रबंध अधीन 1977 ईस्वी विच आया। स्थापना तों लै के हुण तक नामी शख्सियतां, राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय खिडारी, वड्डे अफसर इस अदारे ने समाज दी झोली पाए ने, जिथे कॉलेज पंजाब समेत गुआंढी सूबे हिमाचल हरियाणा दे विद्यार्थियों नूं उच्च मैरी सिक्ख्या मुहैया करवा रहा है। उत्थे ही 13 एकड़ दे विच फैलिया होया कैंपस विद्यार्थियों नूं साजगार माहौल भी प्रदान करता है, जिहदे विच सानूं सारियां कंप्यूटर एप्लीकेशन बारे दस्सिया जांदा है, सिखाईआं जांदियां। साडे टीचर्स बहुत ज़्यादा हैल्पफुल ने, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव ने, सानूं सारियां चीज़ां बहुत चंगे तरीके नाल समझांदे ने। ते साडे कॉलेज दे विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और डाटा साइंस दे नवें कोर्सेज आए ने, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है साढ़े लिए। साढ़े सारे टीचर्स बहुत वधिया ने, बहुत अच्छी तरह सानू समझांदे ने। कॉलेज विच एग्रीकल्चर, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस अते होर समय दे हाणी किताब मुखी अंडर ग्रेजुएट अते पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करवाए जांदे ने। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहब दे PG डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस विच आप जी दा स्वागत है। साढ़े इस कॉलेज दे विच PG डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस दे विच इस इलाके के विद्यार्थियों के लिए डिफरेंट तरह के कंप्यूटर के कोर्सेस चल रहे हैं, जिस तरह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, बैचलर ऑफ वोकेशन BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, BSc ऑनर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। इसी तरह मास्टर डिग्री के लिए भी MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PGDCA और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्सेस डिफरेंट प्रकार के बच्चों टेक्नोलॉजी दे विच अज दे युग दे विच अज किस तरह जॉब्स लेनी है, किस काइंड्स दी जॉब्स है, उन्हां दे विच अपने आप नूं फिट करन दे लई, अपने आप नूं रोज़गार लैण दे लई बहुत ही उपयोगी हन। ते असीं पढ़ाई दे नाल नाल बच्चियां नूं डिफरेंट वर्कशॉप भी लगवाउंदे हन, डिफरेंट एक्सपर्ट्स जिहड़े भी जिस फील्ड च उन्हां दी गैसट लैक्चर भी करवाउंदे हन, ते बच्चियां नूं उस तों रिलेटड प्रैक्टिकल मोड ते भी ज़्यादा कंसनट्रेट करवाते हैं, ताकि बच्चे प्रैक्टिकली अपने आप को ज़्यादा फिट महसूस कर सकन ते वो इंडस्ट्रियां दे विच जॉब ले सकन। ये अदारा वचनबद्ध है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर दे सिक्ख्या संबंधी विधि विधान नूं हूबहू लागू करन अते तत्पर है गुरु साहब दे फलसफे अते सिक्ख्यावां दे प्रचार नूं घर घर तक पहुंचाउण दे लई। उस सिक्ख्या प्राप्त UGC दे सारे मानकां अते मापदंडां अनुसार चुनिया स्टाफ कॉलेज दे वकार नूं मजबूत अते आकर्षक बनाउंदा है। कॉलेज दी लाइब्रेरी विच 50,000 दे करीब पुस्तकां ने अते 1.5 लाख दे करीब ई पुस्तकां ने। डिजिटल लैब, डिजिटल भाषा लैब, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम इत्यादि दी सहूलत सिक्ख्या नूं वकारी अते आधुनिक बनाउंदी है। यहां पे हमें सभी चीजों की प्रेपरेशन, जैसे कि जैम जेली की प्रेपरेशन हो गई, बिस्किट्स की हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं इनकी प्रेपरेशन कराई जाती है। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो हमें सभी अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं और हमें सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उनके साथ कैसे ऑपरेट करना है। विद्यार्थियों लई होस्टल दी सुविधा है,
ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਖੂਬ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਸਰਨ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ NSS ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ।